दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम सुपरस्टार सनी देओल के बेटे करण देओल की इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म पल पल दिल के पास के 5 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे दोस्तों फिल्म ने 5 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कितने रिकॉर्ड तोड़ दिए और फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। दोस्तों देओल परिवार की एक खासियत है कि जब भी इस परिवार में से कोई नया स्टार लॉन्च होता है तो वो अपने परिवार का पिछला रिकॉर्ड तोड़ देता है। जी हाँ दोस्तों, फिर चाहे वो बात हो धर्म पाजी की, सनी पाजी की, या फिर बॉबी देओल की, या फिर अभी बात कर ले करण देओल की। तो दोस्तों सबसे पहले रिकॉर्ड बनाया था धर्म पाजी ने जब उनकी पहली फिल्म आई थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, जो कि फिल्म रिलीज हुई थी 1960 में, और उनकी पहली फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 40,000 रुपये की कमाई की थी और उस समय पर एक नया रिकॉर्ड बना दिया था कि किसी भी डेब्यू हीरो की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतनी कमाई नहीं की थी। और दोस्तों ये रिकॉर्ड कई दिन तक बना रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके बाद 1983 में डेब्यू हुआ सनी देओल साहब का, और सनी देओल साहब की फिल्म आई थी बेताब, और दोस्तों बेताब के साथ में भी सनी देओल ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 5 लाख रुपए, जो कि उस समय में रिकॉर्ड था कि किसी भी डेब्यू एक्टर की फिल्म ने पहले दिन इतनी ज्यादा कमाई नहीं की थी। और दोस्तों धर्मेंद्र साहब का रिकॉर्ड थोड़ा था सनी देओल ने, लेकिन दोस्तों सनी देओल सर के बाद नंबर था बॉबी देओल का। और फिर बॉबी देओल की एक फिल्म आई थी 1995 में जो कि उनकी पहली फिल्म थी और फिल्म का नाम था बरसात, और दोस्तों बरसात फिल्म ने रिलीज होते ही पहले दिन 1995 में कमाए थे लगभग 68 लाख रुपए, और बॉबी देओल ने भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया था कि पहली फिल्म से ही इतनी ज्यादा कमाई की थी यानी कि 68 लाख रुपए। तो दोस्तों जहां धर्मेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ा था सनी देओल ने और सनी देओल का रिकॉर्ड तोड़ा था बॉबी देओल ने, तो दोस्तों अब बॉबी देओल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है करण देओल ने, क्योंकि करण देओल की फिल्म पल पल दिल के पास जो कि रिलीज हुई है इस हफ्ते और फिल्म ने रिलीज होते ही पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी इंडिया नेट में 3,70,00,000 रुपए, और इसी के साथ इन्होंने अपने चाचा यानी कि बॉबी देओल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो दोस्तों करण देओल बिल्कुल अपने परिवार की परंपराओं पर चल रहे और अपने दादा पापा और चाचा के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे निकल चुके हैं। हालांकि दोस्तों फिल्म को रिलीज हुए आज 5 दिन पूरे हो चुके हैं, तो अगर बात कर ले फिल्म के 5 दिन के टोटल कलेक्शन की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिल्म ने पहले दिन कमाए थे 3,70,00,000 रुपए इंडिया नेट कलेक्शन, वही इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन आया था 4,50,00,000 रुपए। बात की जाए दूसरे दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ने दूसरे दिन इंडिया में कलेक्शन किया था 4,20,00,000 रुपए, वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 5,50,00,000 का। तीसरे दिन फिल्म ने कमाए थे 6,10,00,000 रुपए इंडिया में, वही वर्ल्ड वाइड था 7,50,00,000 रुपए। लेकिन दोस्तों चौथे दिन था मंडे, जिसकी वजह से फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में एक थोड़ी गिरावट देखने को मिली और फिल्म ने चौथे दिन इंडिया में कलेक्शन किया 2,80,00,000 रुपए का, वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 3,10,00,000 रुपए। लेकिन बात की जाए पांचवें दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म पांचवें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी डट के चल रही और फिल्म की रिपोर्ट सुबह वाले शो से ही काफी सॉलिड है। तो जो अभी तक का डाटा सामने आया है उस हिसाब से करण देओल की फिल्म पल पल दिल के पास अपने पांचवें दिन इंडिया में कमा रही है 2,10,00,000 रुपए, वही वर्ल्ड वाइड फिल्म का कलेक्शन हो रहा है 2,90,00,000 का। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का जो शुरुआती 5 दिनों का टोटल इंडिया का कलेक्शन जो होता है वो हो चुका है 16,90,00,000 रुपए, वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 21,03,00,000 रुपए। आपको बता दूं दोस्तों फिल्म ने अभी तक जहां वर्ल्ड वाइड 21,03,00,000 रुपए कमा लिए हैं, लेकिन फिल्म का बजट है 28,00,00,000 रुपए, यानी कि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए कम से कम 40,00,00,000 की कमाई करनी होगी, वही सुपर हिट होने के लिए फिल्म को 60,00,00,000 से ज्यादा कमाना होंगे। तो आप देखते हैं दोस्तों करण देओल की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 40,00,00,000 या 60,00,00,000 कमा कर हिट होती है या सुपर हिट। वैसे दोस्तों आपको बता दें धर्मेंद्र साहब की पहली फिल्म भी हिट थी, वही सनी देओल साहब की पहली फिल्म सुपर हिट थी, तो बॉबी देओल की फिल्म बरसात भी सुपर हिट रही थी। तो आप देखते हैं अपने दादा चाचा और पापा की तरह ही करण देओल भी अपनी पहली फिल्म सुपर हिट या हिट देते हैं। वैसे दोस्तों अगर अभी तक आपने पल पल दिल का पास फिल्म नहीं देखी तो इस फिल्म को देख के जरूर आए, फिल्म काफी शानदार और काफी दमदार है। फिल्म में आपको अच्छी रोमांटिक स्टोरी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ करण देओल का एकदम खतरनाक वाला एक्शन भी देखने को मिलेगा, और फिल्म के जो गाने हैं वो तो आपका दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो आप बाद में भी देख लीजिएगा, पहले इस फिल्म को देखकर आइए, और अगर आप फिल्म देखकर आ चुके
चुके हैं। तो करण देओल की फिल्म पल पल दिल के पास आपको कैसी लगी, सुपरहिट, ब्लॉकबस्टर या फ्लॉप? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और पल पल